अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बफलो विंग्स बना रहे हैं। ये बहुत मज़े की और आसान सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने 12 अदद ये विंग्स ले लिए, उनको दरमियान से काट लिए इस तरह से। अब हम इस पे एक खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है और दो खाने के चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। इस तरह करने से चिकन की स्मेल नहीं आती इसमें, और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप इसे किसी भी इवेंट के लिए बना सकते हैं, स्पेशल बच्चों के लिए, उनको ये बहुत पसंद आता है। और 20 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम एक बाउल में एक कप मैदा डालेंगे और तीन खाने के चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के डाले हैं, और एक खाने के चम्मच ये लहसुन का पाउडर है। एक ही खाने के चम्मच हम इसमें काली मिर्च का डालेंगे और हाफ चाय का चम्मच इसमें पपरिका पाउडर। इसको मिक्स करेंगे हम, और दो अंडे इसमें डालेंगे। और आधा कप हमने इसमें दूध डाल दिए और एक खाने का चम्मच सिरका। और अब इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर ये फिर भी बैटर थिक लगे तो इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दें। इस तरह हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हम इसमें विंग्स को शामिल कर देंगे। हमने तमाम विंग्स इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर इसको हम एक से दो घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। दो घंटे के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन में हम ऑयल डाल के इसको गर्म कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने विंग्स को फ्राई करना है। फिर एक छुरी की मदद से हम इसके अंदर कट लगाएंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो हम अब इसको निकालेंगे। इस तरह हमने बाकी सारी के फ्राई कर लेने। फिर हम एक अलग-अलग पैन में दो खाने के चम्मच मैंने बटर डाला है इसको हम, और उसमें एक खाने का चम्मच लहसुन डाल दिया। इसको हमने फ्राई करना है बटर के साथ, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। ये मैंने चार खाने के चम्मच डाले हैं, और सिंपल केचप हम चार खाने के चम्मच डालेंगे। एक खाने का चम्मच इसमें सिरका डालेंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जले ना। फिर एक चाय का चम्मच इसमें चीनी डालेंगे, तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और काली मिर्च या हाफ चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाल दिया। इसको फिर अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने लो ही रखना है, और फिर हमने जितने विंग्स फ्राई किए हैं वो सारे ऐड कर देंगे इसमें। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको वाइट राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के लिए बनाया है इसलिए मैं फ्राइज के साथ इसको सर्व करूँगी। सिंपल सी रेसिपी है ताकि बच्चे खुशी से खा सकें, और इस तरह हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।